नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी कोई चीज आती है, भाजपा पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। मुझे तो लगता है कि ये खुद पाकिस्तानी हैं। जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं, गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये खुद पाकिस्तानी है। वे कहते थे 370 आतंकवाद का जिम्मेदार है, क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही हमने देखा कि एनकाउंटर हुआ। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में आंकड़े देते हुए दो राज्यों की सरकार की तुलना करते हुए दिखाया कि जम्मू कश्मीर कितना ऊपर है और गुजरात कितना नीचे। इसीलिए इन्हें लगा कि ये किसी तरह से जम्मू कश्मीर को नीचे लाएं। इन्होंने यहाँ के टुकड़े कर दिए। 370 सन 1927 में आया था। ये कभी भारत को नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ विभाजन की राजनीति करेंगे। यहाँ तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का, आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही आपने देखा होगा, कल भी एनकाउंटर हुआ रियासी में है। आज 370 जिम्मेवार, 370 यहाँ की। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। उन्होंने दो रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूँ यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजोरिटी स्टेट, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। 370 1927 में आया था, 19 महाराजे के वक्त में आया था, जब वो डरता था कि पंजाब के लोग आएंगे, वो कब्जा कर लेंगे जम्मू पे, इनकी डोगरी जबान खत्म हो जाएगी, इनका सब मिट जाएगा। वही पर 370 में आया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही यहाँ की नौकरी होनी चाहिए, ये जमीन इन्हीं की होनी चाहिए, इसमें यही मालिक है। ये 370 में था, आज ये बन गए हैं, हम भारत को बनाने वाले हैं। ये कभी भारत को नहीं बनाएंगे जब तक ये हमें डिवाइड करेंगे, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, ईसाई से। हम इस मुल्क के मालिक हैं।